कि भारत देश न कभी रुकेगा, न थकेगा, न झुकेगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। जो कहते हैं वो कर दिखाने का मादा रखते हैं। संकल्प से सिद्धि जिनका जीवन मंत्र है, ऐसे पुरुषार्थ, लोक संपर्क और दृढ़ इच्छा शक्ति के पर्याय नॉनस्टॉप इंडिया, आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके भाषण के लिए। सबसे पहले आप हमारे देश के वीर जवानों के नाम अपना मोबाइल फोन निकाल करके, इसकी बैटरी फ्लैश चला करके हम वीरों का सम्मान करेंगे। हर किसी के मोबाइल फोन की बैटरी और उसको चालू रखिए, मैं तीन जयकारा बुलवाऊंगा आप सबको। आप सबको भी तीन जयकारा बोलना है। ये भारत माता के जयकारे हैं। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, देश के वीर जवानों के लिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उपमुख्यमंत्री नितिन जी, गुजरात सरकार में मंत्री प्रदीप सिंह जी, किशोर कनाणी जी, संसद में मेरे साथी किरीट भाई सोलंकी, विधायक जीतू भाई वाघाणी, प्रदीप भाई परमार, अहमदाबाद की मेयर श्रीमती बिजलबेन और यहां पधारे हुए सभी उत्साही प्यारे भाइयों और बहनों, मन करता है आज बहुत कुछ बता दूं। आज अहमदाबाद के विकास के लिए, यहां के जन जन के लिए ऐतिहासिक दिन है। थोड़ी देर पहले अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का लोकार्पण हुआ है और साथ साथ दूसरे फेज का शिलान्यास भी हुआ है। और अभी यहां पर अहमदाबाद की ही नहीं बल्कि गुजरात की, देश की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य सुविधा का लोकार्पण किया गया है। अहमदाबाद के जीवन को बदलने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप ही की तरह आज मेरा भी बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। यहां आने से पहले मैंने अहमदाबाद मेट्रो में सफर किया, उस दरमियान लोगों का उत्साह और उनकी खुशी को अनुभव किया। सच में मन आनंद से भर गया। उत्तरायण में जैसे लोग छत पर होकर के पतंग उड़ाते हैं, वैसे ही आज छत पर खड़े होकर
लोग अपनी मेट्रो का स्वागत कर रहे थे। पूरे रास्ते पर शायद ही कोई छत ऐसी हो जिस पर लोग न जमे हुए हो। मेट्रो अहमदाबाद वासियों का बहुत बड़ा सपना, वो आज हकीकत में बदल गया। साथियों, पहले चरण पर तो मेट्रो चल पड़ी है, दूसरे चरण का शिलान्यास भी आज हो गया है। एक काम खत्म और दूसरे पर काम शुरू, ये भी हमारी सरकार की और एक विशेषता है। एक हो जाए तो हम सोते नहीं हैं, दूसरे के लिए तैयारी करते हैं। आप क्या समझे मैं क्या कह रहा था? अपने अपने हिसाब से मतलब निकालना सिर्फ कांग्रेस को ही आता है, आप ऐसा मत कीजिए। दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रही इस मेट्रो से अहमदाबाद के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। लाखों अहमदाबादियों को इसका लाभ होने वाला है। कल्पना कीजिए, दफ्तर जाने वाले साथियों को, यहां के उद्यमियों को, स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को कितनी राहत मिलने वाली है, समय की कितनी बचत होने वाली है। इससे अहमदाबाद में ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं को कम होगी ही, पर्यावरण का नुकसान भी कम होगा। और हमने और हमारा आप जानते हैं पुराना मंत्र, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज जो मेट्रो का शिलान्यास किया है, तीन चार पांच साल जब भी उसका काम पूरा होगा हम मौजूद होंगे। और ये सब कैसे हो रहा है? आपके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, देश को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए हमारी सरकार कितनी गंभीरता से कार्य कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2014 तक, ये आंकड़ा याद रखना, कुछ बुद्धिमान लोग आंकड़े भूल जाते हैं, मेरे जैसे सादे सीधे व्यक्ति की तरह आप भी याद रखिए। 2014 के पहले, जब रिमोट कंट्रोल सरकार चलती थी, 2014 तक देश में मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ पूरे देश में 250 किलोमीटर था। अब स्थिति ये है कि देश में मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क, और 55 महीने का एक हिसाब दे रहा हूं मैं, आज करीब करीब 650 किलोमीटर तक पहुंचा है। कहां 250 रिमोट कंट्रोल वाली सरकार, और कहां 655 महीने में। और इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 800 किलोमीटर मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। सोचिए, आने वाले समय में अर्बन ट्रांसपोर्ट कितना ज्यादा बदलने जा रहा है। साथियों, अब से कुछ देर पहले मैंने एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा का भी शुभारंभ किया है, देश को अर्पण किया है। और मेरी दृष्टि से आज अहमदाबाद को तो जो मिला सो मिला, गुजरात को जो मिला सो मिला, लेकिन इस कार्यक्रम से
मैं पूरे हिंदुस्तान को एक नई सौगात दे रहा हूं। और आपको भी उसकी बारीकी जानकर के खुशी होगी। और ये जो रुपए कार्ड है उसी से चलने वाला काम है। इस कार्ड यात्रा करते समय आपकी तमाम दिक्कतों को दूर करने जा रहा है। देश भर में लोग मेट्रो जैसे जाते हैं, बस से जाते हैं, लोकल ट्रेन से जाते हैं, टोल का पैसा देते हैं, पार्किंग का पैसा देते हैं, भांति भांति जगह पर पैसे देने होते हैं। और इसमें आपको अक्सर बटुए से निकालकर पैसे देने होते हैं। कई बार खुले पैसे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। इसमें कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं, समय जाता है, ये भी आपको भली भांति पता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम की व्यवस्था विकसित की गई थी। लेकिन इसमें भी एक चैलेंज ये था कि ये सिस्टम भारत को विदेश से ही मंगवाना पड़ता था। अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए सिस्टम की वजह से देश में एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था विकसित नहीं हो पा रही थी। यानी एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता था, बेकार हो जाता था। इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक व्यापक स्तर पर एक टास्क फोर्स बना करके टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक नया अचीवमेंट करने के लिए काम शुरू किया। अनेक मंत्रालयों, अनेक विभागों को इस काम में लगाया गया, बैंकों को भी जोड़ा गया। सरकार ने उन्हें एक ही टास्क दिया था, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जो अलग अलग कार्ड बनवाने की इस दिक्कत को दूर करें और डिजिटल लेन देन को आसान बनाए। साथियों, तमाम प्रयासों के बाद अब देश में, और आपको खुशी होनी चाहिए, अब देश में वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड का सपना अब साकार हो गया है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड से आप पैसे भी निकाल पाएंगे, शॉपिंग भी कर पाएंगे, और देश भर में, सिर्फ अहमदाबाद नहीं, देश भर में किसी भी मेट्रो या ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन में भी आपका वही रुपए कार्ड काम में आएगा। अगर मैं और आसान शब्दों में समझाऊं तब आपके रुपे डेबिट कार्ड और मोबिलिटी कार्ड को मिलाकर एक किया जा रहा है। साथियों, इस व्यवस्था के साथ ही अब विदेशी तकनीक पर भारत की निर्भरता खत्म हो गई है। अब जो कुछ भी है वो मेड इन इंडिया। अब भारत दुनिया के उन कुछ इने गिने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की तकनीक है और जो अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। देश के हर युवा को गर्व होगा कि हमारे नौजवानों ने अपने ही देश में बनी हुई ये तकनीक आज देश को समर्पित की है। मैं देश को और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे गुजरात के लिए भी ये गर्व की बात है कि यहां वडोदरा के सावली में जो मेट्रो के कोच बन रहे हैं वो अब एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। साथियों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत करने के लिए आज, अभी आपने देखा होगा, मैं लीली झंडी से, हरी झंडी से
ट्रेन को विदा कर रहा था। आज पाटन भिलड़ी नई रेल लाइन का उद्घाटन और आनंद गोधरा की रेलवे लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी किया गया है। मैं छोटा था, हर एमपी पाटन भिलड़ी रेलवे लाइन की बात करता था, बचपन से मैं सुनता आया था, पहली बार ये काम हुआ था। आप बताइए कैसे चला होगा पहले। साथियों, आज से दो दशक पहले गुजरात जिस स्थिति में था वो आज की नई पीढ़ी को शायद ही पता होगा। हालत ये थी कि राज्य के बहुत से इलाके पानी के लिए तरसते थे, इलाज किए लोगों को शहर शहर भटकना होता था, 24 घंटे बिजली एक सपने की बात थी, ज्यादातर इलाकों में जीना इतना कठिन था कि लोग पलायन करने पर मजबूर थे। विशेषकर मेरे आदिवासी भाई बहनों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब आज गुजरात जहां है वो गुजरात में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम है। कुछ ही वर्षों में गुजरात के लोगों ने अपने गुजरात की तस्वीर बदल दी है। भाइयों और बहनों, गुजरात के विकास के और ऊंचाई देने वाले, गुजरात के संतुलित विकास के लिए हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में है, हम चौतरफा विकास को काम कर लिया आगे बढ़ रहे हैं। बीते 55 महीनों में सरकार ने उमरगांव से अंबाजी तक, यानी राज्य की पूर्व पट्टी, आदिवासी बाहुल्य इलाका, उमरगांव से जखौ यानी हमारे समुद्री तट वाली तटीय इलाका, और आबू से दहनू तक, राजस्थान से महाराष्ट्र तक, ये हमारे गुजरात का मध्यपुरी पट्टी यानी केंद्रीय गुजरात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के अनेक कार्य शुरू किए हैं और एक बड़े उसका प्लानिंग करके किया है। पूर्व में आदिवासी पट्टी, पश्चिम के छोर पर मछुआरे लोग, और बीच में हमारा अहमदाबाद, बड़ौदा, पालनपुर, वापी, तापी सब। अगर मैं पहले उमरगांव से अंबाजी की बात करूं तो सरकार ने इस क्षेत्र में आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया। इस क्षेत्र के सभी गांवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। यहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए 2800 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई योजनाओं पर काम चल रहा है। नर्मदा जल पर आधारित दाहोद छोटा उदयपुर वाटर सप्लाई स्कीम हो, नर्मदा और तापी जिले के लिए पेयजल परियोजना हो, महिसागर जिले के लिए कड़ाना बांध पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम हो, या फिर संखेड़ा पामीजोधपुर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम हो, इसका लाभ उमरगांव से अंबाजी बेल्ट के लाखों लोगों को मिला है। इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। साबरकांठा में इजराइल के साथ मिलकर आधुनिक एग्रीकल्चर सेंटर पर भी काम हो रहा है। साथियों, सरकार के प्रयासों की वजह से आज गुजरात की पूरी आदिवासी आबादी की सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इससे आदिवासी लोगों को तमाम चुनौतियों से निपटने में मदद मिल रही है। सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, बड़े बड़े वादे करने वाले लोग, गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में एक भी तहसील में, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक, एक भी 12th साइंस की स्कूल नहीं थी। बताइए, 2001 तक आदिवासी पट्टी में एक भी ट्राइबल बच्चों के लिए 12th साइंस की स्कूल नहीं थी। आज वहां मेडिकल कॉलेज बन रही है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। विकास कैसे होता है,
सपने कितने बड़े होते हैं और संकल्प को लेकर के कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, गुजरात एक केस स्टडी का विषय है। दोस्तों, वन बंधु कल्याण योजना के तहत सैकड़ों मॉडल आवासीय स्कूल, आश्रम स्कूल, एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं। 1100 से ज्यादा हॉस्टल का भी निर्माण हुआ है, जिसका लाभ 2 लाख से ज्यादा आदिवासी बच्चों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नर्मदा जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। सरकार द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस भी चलाई जा रही है। पहले आदिवासी छात्रों के लिए रिजर्व मेडिकल सीट खाली चली जाती थी, अब लगभग सभी सीटें भर रही है। दाहोद और पालनपुर में बनाए गए मेडिकल कॉलेज से इस इलाके में स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत मजबूत हुई है। सरकार दाहोद के रेलवे वर्कशॉप के विस्तारीकरण भी काम कर रहा है। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे जसवंत सिंह जी भाभोर वहां दाहोद के रेलवे यार्ड में थे और मैं यहां से उसको रिमोट से चालू कर रहा था। दाहोद रेलवे वर्कशॉप की क्षमता, दाहोद में एक परेल करके जगह है, मैं कभी उस जंगलों में काम करता था, जब बहुत 30-40 साल पहले की बात है। ऐसा ही वीरान पड़ा था रेलवे का पूरा इलाका, हमने इसको फिर से जिंदा कर दिया और उसकी वर्कशॉप की क्षमता में 4 गुना बढ़ोतरी की गई है, ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले। अब तक वहां मालगाड़ी के सिर्फ 450 वैगनों की ओवरहॉलिंग की जा सकती थी, अब इस क्षमता को साल में 1800 वैगन तक पहुंचा दिया गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक दिन में 6 वैगन का काम, यानी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को भी विकसित कर रही है। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से उसकी हाइट डबल है, ये भी गुजरात कर सकता है। और उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन के लिए देश भर में कितना उत्साह है, ये आप भली भांति जानते हैं। अंबाजी में भी विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं जारी हैं। इसी तरह सरकार राजपिपला में ट्राइबल म्यूजियम पर भी तेजी से काम करवा रही है। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आदिवासी समूह को वो सम्मान नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे। ट्राइबल म्यूजियम बनवाकर सरकार आदिवासियों ने आजादी के जंग में जो योगदान दिया था, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। साथियों, गुजरात की सामुद्रिक ताकत से दुनिया भली भांति परिचित है। उमरगांव से लेकर के जखौ कच्छ में तक पूरा क्षेत्र, हिंदुस्तान का सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात के पास है, आज भी हमारी सामुद्रिक ताकत को बढ़ाता है। इस इलाके के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। गोगा से दहेज के बीच रोरो फेरी चलाने से लोगों के लिए आना जाना आसान हुआ है और उनके समय और पैसे की भी बचत हो रही है। सौनी योजना पर आधारित सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं ने इस इलाके में पानी का संकट काफी हद तक कम किया है। अब सरकार ने समुद्री जल से साफ पानी निकालने की योजनाओं को भी गति दी है। जोड़िया समेत 6 और जगह पर डिसेलिनेशन का काम शुरू हो रहा है। इस पूरी कोस्टल बेल्ट के विकास के लिए, यहां की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना स्वीकृत की है। अकेले गुजरात के समुद्री तट पर 75,000 करोड़ रुपया। सरकार ने द्वारका में मरीन पुलिस एकेडमी की भी स्थापना की है। भाइयों और बहनों, हम देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोने का भी काम कर रहे हैं।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह को समर्पित दांडी स्मारक का अभी कुछ हफ्ते पहले ही लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला था और आज एक ऐसी चीज का शिलान्यास हो रहा है जिसकी पूरी दुनिया में गूंज होने वाली है। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं, पूरे विश्व में सबसे पहला हजारों साल पुराना सबसे पहला बंदर ये गुजरात के लोथल का बंदर, 5000 साल पुराना बंदर। अगर दुनिया के किसी के पास ऐसी कोई जगह होती तो पूरी दुनिया को पागल करके छोड़ देता दोस्त। लेकिन अब जब मुझे भारत से सरकार में बैठ करके सेवा करने का मौका मिला है तो आज लोथल में नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया गया है। हिंदुस्तान की सामुद्रिक शक्ति, दुनिया के संदर्भ में सामुद्रिक शक्ति, 5000 साल का हमारा सामुद्रिक जीवन को लेकर के ये ऐतिहासिक म्यूजियम बनने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं पूरे विश्व का कितना बड़ा टूरिज्म हमारे लोथल में आने को मजबूर हो जाएगा, गुजरात को रोजी रोटी के लिए कितनी बड़ी सुविधाएं हो जाएगी। साथियों, लोथल हमारी सामुद्रिक ताकत का प्रतीक रहा है। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां, नजदीक में बल्बी यूनिवर्सिटी थे, वहां लोग आया करते थे अध्ययन करने के लिए, पहुंचते थे कि कैसे ये पोर्ट काम कर रहा है और इस क्षेत्र के व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रहा है। कहते एक समय था जब सैकड़ों की तादाद में वहां झंडे फहरते थे और दुनिया के कई देश के झंडे वहां फहराया करते थे। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हमें उसी गौरव का एहसास कराएगा। और ये भी मैं बता दूं, आज मैंने इसका शिलान्यास किया है, उद्घाटन कौन करेगा, कौन करेगा? मुझे विश्वास है देश के आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम भी होंगे, थीम पार्क भी होंगे, रिसर्च सेंटर भी होगा, होटल और रिसोर्ट भी होंगे, यानी ये भारत की समृद्ध सामुद्रिक विरासत से दुनिया को परिचित कराने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जरिया बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के तौर पर भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई विरासत मिलने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा जो मैं मध्य गुजरात कहता था, एक पूर्वी पट्टी, एक पश्चिमी पट्टी और एक पूरा राजस्थान और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला हमारा बीच का इलाका, जिसको हम सेंट्रल विस्टा कह सकते हैं, अगर इस मध्य भाग का विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए विकास के अनेक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम तेजी से जारी है। ये ट्रेन गुजरात को एक नई पहचान देगी और हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाएगी, यहां के उद्यमियों की मुंबई से कनेक्टिविटी और आसान करेगी। आज अहमदाबाद को मेट्रो का उपहार तो मिल ही चुका है, इसके अलावा बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे से भी सेंट्रल गुजरात के लोगों और यहां के उद्योगों को बहुत फायदा होगा। साथ ही सरकार साणंद बेचरा जी को ऑटोमोबाइल हब की तरह विकसित करने पर काम कर रही है। वहीं धौलेरा को वर्ल्ड क्लास कॉमर्शियल हब की तरह विकसित किया जा रहा है, इसमें धौलेरा एयरपोर्ट भी शामिल है। राजकोट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सेंट्रल गुजरात की पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास करके नर्मदा बांध का काम पूरा कराया और उससे जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया। सुजलाम सुफलाम स्कीम के तहत भी अनेक योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसकी वजह से उत्तर और सेंट्रल गुजरात को नर्मदा के पानी का फायदा मिल रहा है। साथियों, आज का दिन मेरे लिए एक और वजह से खास है। आज मेडी सिटी के विस्तार का सपना अहमदाबाद के लोगों को सारी स्वास्थ्य सेवाएं
एक ही छत के नीचे देने का सपना भी पूरा हुआ है। एक साथ चार अस्पतालों का यहां लोकार्पण किया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कैंसर अस्पताल, आई हॉस्पिटल और डेंटल हॉस्पिटल एक ही जगह पर आपकी सेवा के लिए, गुजरात वासियों की सेवा के लिए तैयार है। साथियों, अहमदाबाद के दशकों पुराने सिविल हॉस्पिटल को मेडी सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 2008 में काम शुरू किया गया था। मुझे खुशी है कि एक दशक के भीतर देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटी मेडी सिटी के रूप में आज यहां बनकर के तैयार है। उसका स्केल देखिए, जो लोग ये टीवी पर सुनते होंगे देश में, इनको भी सुनकर के अचरज होगा। ये ऐसा कैंपस जिसमें लगभग 10,000 डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ मिलकर हर दिन लगभग 10,000 मरीजों को यहां सेवा देने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से 20,000 की जनसंख्या वाला एक गांव बन गया ये। आज के लोकार्पण के बाद मेडिसिटी में बेड्स की क्षमता बढ़कर 5,500 हो गई है। और बात यहां अटकने वाली नहीं है, इसमें और भी विस्तार होने वाला है। मुझे विश्वास है कि जिन बाकी अस्पतालों पर काम चल रहा है वो भी बहुत जल्द बनकर के तैयार होंगे। साथियों, लोगों का स्वास्थ्य हमेशा से ही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सुबह मैं जामनगर में था, वहां पर भी 700 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम, स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एजुकेशन के संस्थानों में अभूतपूर्व विकास आज देश अनुभव कर रहा है। आज देश भर में 22 एम्स या तो काम कर रहे हैं या उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इनमें से 15 एम्स पर बीते 5 वर्षों में ही काम हुआ है। 22 में से 15 इस 55 महीने में। हमारा प्रयास कि देश के छोटे छोटे कस्बों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ले जाया जाए, इसके लिए वेलनेस सेंटर से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक एक सिलसिला चलाया जा रहा, चेन चलाया जा रहा है। साथियों, एक वो भी समय था जब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ना पर्याप्त अस्पताल थे और ना ही इलाज में सहयोग देने के लिए कोई अच्छी योजना है। इलाज के खर्च की वजह से देश के करोड़ों गरीब अस्पताल ही नहीं जाते थे। देश भर में आयुष्मान भारत, पीएम जय, ये पीएम जय योजना, लोग उसको मोदी केयर भी कहते हैं, ऐसे अनेक लाभार्थी, उनसे मैं मिलता रहता हूं। आज भी यहां आने से पहले मैं मिला हूं। आजकल मैं देश भर में जब भी ऐसे लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे बातें करता हूं। आयुष्मान भारत योजना उनके लिए जीवनदान बन के आई है। साथियों, इस योजना को 5 महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त हुआ है, लेकिन अब तक 14 लाख से अधिक गरीब मरीजों को इलाज मिल चुका है। आज गरीब से गरीब को भी अच्छे इलाज का विश्वास मिला है। तो उसके पीछे कैसे संभव हुआ? ये आज गरीब को इतनी सुविधा मिल पाई, इसके पीछे किसकी ताकत है? बताइए, किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? अरे दोस्तों, ये मोदी की वजह से नहीं हो पा रहा है। ये हो पा रहा है इसलिए
कि आपने 2014 में सही निर्णय किया था, सही जगह पे वोट दिया था। 2014 में आपने सही नियत वाली एक मजबूत सरकार के पक्ष में मत दिया था। उसी का परिणाम आज देश, हमारा गरीब और मध्यम वर्ग का परिवार उसका फायदा उठा रहा है, उसके जिंदगी में नई आशा पैदा हुई। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने एक बुनियादी बदलाव देश की राजनीति में करने का प्रयास किया है। जो भी करना है, साफ सुथरा और डंके की चोट पे करना है। राष्ट्रहित में, जनहित में बड़े से बड़ा फैसला लेना हो और कड़े से कड़ा फैसला लेना हो, हम पीछे नहीं रहते। आप देख रहे हैं, बात चाहे भ्रष्टाचार से लड़ने की हो या फिर आतंकवाद से, हमारी नीति और नियत दोनों मेरे देशवासियों आपके सामने है। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आंख देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते। भाई मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और हम कुछ दिन के बाद, चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे,
जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए। अरे देश की जन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है, उनकी बातों पर भरोसा है, वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं, सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ, वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे, और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते, क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते हैं? किसका इस्तीफा मांगते हैं? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी, भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है, मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर भी बात करो ना, मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना भी बात, नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो रेल लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है, करो विवाद, कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए, बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है, सेना को क्यों गाली देते हो?
ऐसे वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो, उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है, इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं खुल करके बोलूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने देखा होगा इस बार हमारा बजट अंतरिम बजट है, अभी पूरा बजट तो जब दोबारा आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे फिर से आने वाला है, लेकिन इस अंतरिम बजट में भी हमने मिडिल क्लास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए हैं। 5 लाख रुपए तक का टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया, 3 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा राहत देने वाला काम किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में हमने नए भारत की नींव रखी है, नए भारत के नए संस्कारों को गढ़ने का प्रयास किया है। राष्ट्रहित में ईमानदारी और निष्ठा के साथ हर व्यक्ति काम पर पाए कामकाज का ऐसा कल्चर विकसित करने का प्रयास किया है। आने वाले 5 वर्ष हम नए भारत की इस नींव पर वैभवशाली भारत बनाने का, एक मजबूत इमारत बनाने का मजबूत इरादा कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी इसी दिशा में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सभी को आज जितनी जितनी सुविधाएं योजनाएं मिली हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है उस प्यार को मेरे सर आंखों पर लेते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।